नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश भर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार फेल हो गई है। पीएम मोदी चुनाव जीतने में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। इसके साथ ही सोनिया ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लेने का दावा किया और उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान किया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी अनदेखा किया। इन पहलुओं पर मोदी सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई। सही समय पर वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि ना तो ऑक्सीजन मिली, ना ही दवाइयां और वेंटिलेटर की व्यवस्था को मजबूत किया गया। उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जगह लोगों पर कई बीजेपी शासित सरकारें तानाशाह रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही हैं। सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार का नेतृत्व विफल रहा। आज हम इस कगार पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लड़ने में असमर्थ है। इंडिया आज इसलिए बेबस है क्योंकि मोदी सरकार के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए क्योंकि ये विपक्ष बनाम सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हमारी कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए ताकि एकजुट होकर हम लोग कार्रवाई कर सके। कांग्रेस कार्य समिति जल्द ही बैठक बुलाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।